केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह कश्मीर फाइल देखने के बाद रातों को सो नहीं पाते हैं। बेगूसराय में भी हिंदुओं को असुरक्षित बताते हुए केंद्र मंत्री ने अपनी ही नीतीश सरकार पर सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, मेरा दुर्भाग्य है, मैं तो अभी 2-3 दिन बीता है कि दिल्ली के अंदर में कश्मीरी फाइल देखने के बाद रात भर चैन से सो नहीं पाया। लगा कि कहां जाएगा है, लेकिन जब बेगूसराय में मैं यहां के प्रशासन, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे पूछना चाहता कि बेगूसराय में, रजौरा में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं रहा तो कहां जाएगा? पाकिस्तान में जो लोग गए वो मारे गए, काटे गए, भाग गए, धर्म परिवर्तन हुआ। बांग्लादेश में मंदिरें टूट रही है, अब रजौरा में भी जिस ढंग से घटना घटी है, हिंदू कहां जाए? मैं यही गुहार करना चाहता हूं प्रशासन से। अब प्रशासन इसे लीपापोती करने की कोशिश ना करे। इसमें जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, ये कहा जा रहा है कि कल की घटना है। मुझे गांव के लोगों ने बताया है कि 12 तारीख को स्कूल में बच्चों में आपस में झगड़ा हुआ और जो प्रशांत नाम था उनके पिताजी ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से मना कर दिया कि झगड़ा होगा। फिर लोग उसे खोजते हुए आए और ये 12 तारीख से अगर प्रशासन इस पर कंट्रोल किया होता तो आज ये विवेक सहित जो दर्जनों लोगों को जिस ढंग से और हड़वे हथियार प्रशासन के सामने में, जैसा लोग बता रहे हैं, प्रशासन के सामने में, अब प्रशासन इसे लीपापोती करेंगे कि कुछ इधर से हिंदू से, कुछ मुसलमान से, नाम दे करके फिर कंप्रोमाइज कराएंगे। ना मुझे कंप्रोमाइज चाहिए, ना लीपापोती चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी चाहिए। और बताए प्रशासन कि अब रजौरा का हिंदू कहां जाए? कुछ दिन पहले बारों में घटना घटी, मैं चुप हो गया कि अब हर चीज में कितना करूं। तो आखिर कहां जाए बेगूसराय के लोग? मैं आज मीडिया के सामने केवल यही कह रहा हूं कि जो कॉन्स्पिरेटर है, कहां से नंगा तरबार, राइफल ये लेकर के आए? और पुलिस वहीं पर जांच ये होनी चाहिए कि इसका कॉन्स्पिरेटर कौन है। केवल ये कहने का नहीं कि बैठा के रखा, उठा के रखा। और मुझे न्याय चाहिए कि हिंदू जाए तो कहां जाए। कश्मीर की घटना मैं याद दिलाना नहीं चाहता हूं। इसी ढंग से सहते सहते हमें अब बेगूसराय से कहां छोड़े। मैं बार बार यही प्रार्थना जब से कल शाम से सुना हूं, मेरी निंद हराम हो गई है। मैं आया हूं इंसाफ का भीख मांगने के लिए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं कोई भी कदम उठाऊंगा, अहिंसात्मक कार्रवाई करूंगा, चाहे मुझे जो भी कार्रवाई करना पड़े, अलीपापोती अगर होगा। क्योंकि देश के अंदर में हम तो वोट बैंक है नहीं, जो वोट बैंक, हिंदू तो कभी वोट बैंक है नहीं, इसलिए हिंदू का तो कोई माए बाप है नहीं। वोट बैंक की राजनीति करते करते समाज का शांति भंग हो रहा है, समाज का सामाजिक समरसता टूट रहा है। मैं प्रशासन से इसी का भीख मांग रहा हूं कि बताए उस गरीब का क्या दोष था। दुकान पर बैठा हुआ नौजवान, उसको जाकर के लहुआ लुहान कर दिया, उसके साथ जो लोग गए मारा पीटा और अस्पताल से लोगों को छोड़ दिया,
बिना एक्सरे किए हुए बिना, इसलिए कि मैं आ रहा हूँ और आऊंगा तो अस्पताल जाऊंगा, ये बर्दाश्त नहीं। इस पर एक बड़ी जांच कमेटी बैठे, लीपापोती ना हो कि जो पुलिस लिख दे वही सही, मैं इसे मानने को तैयार। मैं अभी अब रजौरा गांव जा रहा हूँ, गांव के लोगों से भी बात करूंगा। मैं तो केवल न्याय का भीख मांग रहा हूँ, मैं विक्टिम को पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए, कॉन्स्पिरेटर को पॉलिटिकल संरक्षण ना दिया जाए। उस्ताद आपत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।